पिरामिड न्यूज में आपका स्वागत है। पिरामिड न्यूज में हम पीएसएसएम की खबरें विस्तार से जानते हैं। 1990 में आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में पीएसएसएम की स्थापना हुई थी। पीएसएसएम आज नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन में एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। यह संस्था पत्री जी के 40 वर्षों के परिश्रम का फल है। एक मनुष्य की कड़ी मेहनत से पाया गया आत्मज्ञान दूसरे के लिए सहज ही प्राप्त आत्मज्ञान बन गया है। पत्री जी ने अपना संकल्प ध्यान जगत, शाकाहार जगत और आध्यात्मिक जगत को वास्तविकता में लाने के लिए 2018 में पिरामिड मेडिटेशन चैनल की शुरुआत की थी। पत्री जी 30 साल से जगह जगह जाकर लाखों लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। अब 2020 लॉकडाउन के समय में उनकी दिव्य संकल्पना से पिरामिड मेडिटेशन चैनल के माध्यम से उनका संदेश पूरे विश्व में पहुंच रहा है। पिरामिड मेडिटेशन चैनल से पत्री जी ने इस धरती को ऐसा उपहार दिया है जिससे हर एक इंसान को अपने घर बैठे बैठे सत्य का दर्शन हो रहा है। 2018 में पीएसएसएम मीडिया कंपनी की स्थापना की गई थी ताकि पिरामिड मेडिटेशन चैनल के माध्यम से तेलुगु भाषा में यूट्यूब के माध्यम से हजारों पिरामिड मास्टर्स के अनुभव प्रसारित किए जा सके। आज पीएमसी एंड्रॉइड फोन पर वेबसाइट और लोकल टीवी के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध है। हाल ही में पीएमसी तेलुगु ने एयरटेल डिश टीवी पर चैनल संख्या 945 शुरू किया है। हम पीएसएसएम मीडिया और पीएमसी तेलुगु का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनके माध्यम से हम इस लॉकडाउन में महेश्वरा महापिरामिड से ध्यान महाचक्र, पिरामिड वैली इंटरनेशनल से बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव और हर महीने पूर्णिमा ध्यान का आनंद ले रहे हैं। पीएमसी तेलुगु के साथ साथ पीएमसी तमिल ने भी 2019 में शुरुआत की थी जिसके अब तक 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तमिल भाषा में आध्यात्मिक वैज्ञानिकों और पत्री जी के संदेश इस चैनल के माध्यम से 24 घंटे प्रसारित किए जाते हैं। यह आईपीटीवी चैनल तमिलनाडु के 4,00,000 घरों तक पहुंच रहा है। दक्षिण भारतीय भाषाओं के नक्शे कदम पर चलते हुए अक्टूबर 2019 में पीएमसी हिंदी चैनल नई दिल्ली में शुरू किया गया। आज तक यूट्यूब में हिंदी के 9,600 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। पत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार वन मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। 14 नवंबर 2020 को कंपनी ने अपने मुख्य स्टूडियो का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। पूरे भारत में ऐसे अनेक स्टूडियो खोले जाएंगे जहां सभी पिरामिड मास्टर्स के अनुभव रिकॉर्ड किए जाएंगे। यह हिंदी भाषा में पत्री जी के ज्ञान के साथ साथ मास्टर्स के अनुभवों का खजाना है। इस चैनल के माध्यम से आध्यात्मिक विज्ञान के विषयों को सरल, सृजनात्मक और नए ढंग से दिखाया जा रहा है। अप्रैल 2019 में कन्नड़ भाषा में भी पीएमसी चैनल का उद्घाटन हुआ। अगस्त 2020 में बेंगलुरु में पत्री जी ने स्टूडियो का उद्घाटन किया। पत्री जी ने कहा, बेंगलुरु शहर के सभी पिरामिड मास्टर्स के अनुभव इस स्टूडियो में रिकॉर्ड किए जाएंगे। पीएमसी अभी अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली, जर्मन, स्पेनिश और कई अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। नमस्कार, पीएमसी हिंदी चैनल पे मैं गायत्री नागराज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पिरामिड मेडिटेशन मराठी चैनल जो कि यूट्यूब पर एक्टिव है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आई हूँ। पिरामिड मेडिटेशन चैनल मराठी का इनॉग्रेशन खुद ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के हाथों पुणे में किया गया था। इस चैनल के द्वारा आनापानसती ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा और आत्म तत्व के सभी विषयों पर
चर्चाएं अथवा सत्र दिए जाते हैं। इस चैनल पर आत्मज्ञान और ध्यान प्रचार करने वाली सभी संस्थाओं को और भिन्न भिन्न मास्टर्स को अपना अनुभव तथा ज्ञान साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सभी सत्र बहुत ही सुलभ मराठी भाषा में दिए जाते हैं। पीएमसी मराठी चैनल पर सुबह 6 से 7 बजे हर रोज प्रातः ध्यान यूट्यूब पर लाइव होता है। शाम 5 से 6 बजे हर रोज भिन्न भिन्न मास्टर पूर्व नियोजित विषयों पर अपना ज्ञान साझा करते हैं। रात 9 से 10:30 बजे जूम मीटिंग पर नए लोगों को ध्यान सिखाया जाता है तथा उनकी शंकाओं का समाधान भी किया जाता है। जैसे सिद्ध समाधि योग के श्री मनोज लेखी जी, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर न्यूटन कोंडावेट्टी जी, शांति मंदिर के सदस्य डॉक्टर आगाशे, प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता जयकर जी और शून्यो, ऐसे बड़े बड़े मास्टर्स ने आके अपना ज्ञान प्रदान किया है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर समय समय पर स्वयं सभी ध्यानी लोगों से मिलने, उनके साथ वार्तालाप करने तथा ध्यानी लोगों के अनुभव सुनने के लिए पीएमसी मराठी चैनल पर आते हैं और सभी ध्यानियों को प्रोत्साहित करते हैं। पिरामिड कॉल सर्विसेज के अंतर्गत ध्यान के बारे में जिज्ञासु लोगों को उचित मास्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। इस पीएमसी मराठी चैनल का मूल उद्देश्य है शाकाहार, ध्यान, पिरामिड ऊर्जा हर मराठी घर तक पहुंचे। इसलिए आप सभी से ये अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मराठी लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी सहायता करें, ताकि विश्व भर के मास्टर्स का ज्ञान हम आसानी से मराठी लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। जूम क्लासेस के माध्यम से ध्यान सभी स्थानीय भाषाओं में सिखाया जा रहा है। पत्री जी ने कहा, पीएसएसएम ने कई सालों से बहुत मेहनत की है, जिसका फल अब हमें मिल रहा है। पिरामिड मेडिटेशन चैनल पीएसएसएम की आवाज है। सभी पिरामिड मास्टर्स का यह महाभाग्य है कि वह इस महान आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बने। आइए पीएमसी चैनल को तन, मन और धन से सहयोग देकर सत्य की स्थापना में अपना योगदान दें। यह थी अभी तक की पीएसएसएम से जुड़ी मुख्य गतिविधियों की जानकारी। ऐसी ही अन्य जानकारियों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। नमस्कार।